हमें तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। कोई प्रताप, इन्हें जाने दीजिए, हम मरना नहीं चाहते। हम आपके गौरव को दुगना होते हुए देखना चाहते हैं। इन सबको जाने दीजिए कुंवर प्रताप, विगत में की गई भूलों को क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप। हट जाओ सब सामने से, हट जाओ। तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा, पीछे हट जाइए। तुम्हें जीवित छोड़ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आज हम उस भूल को सुधारेंगे। क्षमा क्षमा राणाजी, तुम लोग निर्दोष हैं। ये सब तो इस तारा की चाल थी। अच्छा हुआ आप भी आ गए। आज हम इस मामा और भांजे के किस्से को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। आप दोनों का जीवित रहना। दादाजी रुक जाइए, अब आप कुंवर प्रताप नहीं महाराणा प्रताप हैं। इन्हें दंड अवश्य मिलेगा, किंतु न्याय पथ पे चल के। आज तुम्हें अपना भाई कहने में हमें लज्जा आ रही है। आई छोटी माँ, सुनिए, यहाँ कुछ देर हमें रुकना ही पड़ेगा, कोई कुदरती जरूरत आन पड़ी है। पहले इससे तो निपट लूं। जो भी करना है जल्दी कर लो, समय नहीं है हमारे पास। इतनी देर से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और शहंशाह के पास तक नहीं पहुंचे अभी तक। घबराइए मत मानसिंह जी, हम अपनी मंजिल के बेहद करीब जा पहुंचे हैं, और अब इस काम के लिए तो जंजीर खोल दीजिए। आपके और आपके घोड़े की जान बचाने के बाद इतना यकीन तो बनता है ना हम पे। बोल दो इसे। शुक्रिया। ये अफगान लोग न जाने कैसे रहते हैं इस इलाके में, पता नहीं कैसे चप्पा चप्पा याद रह जाता है इनको। अगर हमें कोई यहाँ अकेला छोड़ दे तो यहाँ से निकलने का मार्ग भी नहीं ढूंढ पाएंगे हम। आकिम खान, आकिम खान, आकिम खान, आकिम खान। ठीक तो है ना?
नहीं जानते कि क्या कमी रह गई थी, कि कुंवर जगमाल ने स्वयं की मां को दोबारा मारने का प्रयास किया। इतना स्नेह देने के उपरांत, इतना प्रेम देने के उपरांत, इतना ध्यान रखने के उपरांत भी। छोटी मां, हमें लगता है कि कुंवर जगमाल के प्रति प्रेम के अतिरेक ने आपको इतना अंधा बना दिया है कि आपको उनकी कोई कमी दिखाई ही नहीं दे रही। अरे हम तो उन्हें उसी दिन इतना कठिन दंड देते जिस दिन उन्होंने आप पर गोली चलाई थी, लेकिन आपकी ममता फिर से ढाल बनकर उनके आड़े आ गई, बचा लिया आपने उन्हें। और कुछ ही दिनों पहले आपने फिर से वही दोहराया। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें, हम आपके अपराधी हैं, हमेशा आपके विरुद्ध हमने अनुचित पक्षपात किया है कुंवर जगमाल के साथ। और जब जब हमने ऐसा किया है, अपने पुत्र के कर्मों के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ा। अब छोड़िए सब, ये सब बीती बात है, इन्हें सोच कर क्या लाभ। कैसे छूटते हम? एक बार हमने निर्णय लिया कि हम उनकी मनमानी में नहीं आएंगे, फिर भी हमें विवश होकर अकबर से हाथ मिलाना पड़ा। आपने हाथ तो मिला लिया ना उस मुगल से। क्या बताया आपको महाराणा प्रताप से? सारा संसार ये सोचता है कि ये एक अवसरवादी माँ बेटे की करतूत है, पर हमारा मन जानता है कि हमने हमारे मन पर कितने पत्थर रखे कुंवर जगमाल की मनमानी के आगे। विवश थे आप। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी बताइए हमें, कि आपको अपनी मातृभूमि के हितों को ढोलाना पड़ा? ऐसी कौन सी व्यवस्था कि आपको उस देशद्रोही का समर्थन करना पड़ा, बताइए, हम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। बताइए छोटी मां, आज हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था, क्यों व्यवस्था थी? जाने दीजिए आप तो आप राणा प्रताप सिंह बन गए, क्या अर्थ सब कुछ दोहराने का? हमारी व्यवस्था ने हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कूद कर रख दिया। यदि आप सुनेंगे तो आप सही गलत के बीच भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं हम विवश थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको जो भी कहना है आप स्पष्ट कहिए। आपके दाजी राज, आपके दाजी राज मेवाड़ नरेश राणा जी, मरने के पूर्ण उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हम कुंवर जगमाल का ध्यान रखें, उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाए, आपके लिए ये पत्र आपके दाजी राज आपके लिए छोड़कर गए। ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं कि हम आपको ये पत्र दे पाते, पर अब लगता है कि यही उचित समय है। बढ़िए, हमारे दाजी राज का पत्र। प्रताप, हमारी इच्छा है कि आप हमारे बाद हमारी प्रजा का ऐसे ही ध्यान रखेंगे जैसे एक पिता अपनी संतान का ध्यान रखता है। अच्छे शासक बनना प्रताप, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाना, जैसे आपका भटका हुआ भाई कुंवर जगमाल। हम जानते हैं आपके मन में बार बार उनको कठोर से कठोर दंड देने की इच्छा होता है, किंतु मृत्यु शैया पे लेटे आपके दाजीराज की एकमात्र अंतिम इच्छा यही है प्रताप, कि दंड देते समय उनके साथ जितनी भी आपसे संभव हो सके नरमी और क्षमा की बात अवश्य सोचे, और हो सके तो धीर बाई जी को आजीवन सम्मान दीजिएगा। आपके पत्र में भी आपके दाजी राज ने कुंवर जगमाल के प्रति नरमी बरतने के लिए कहा है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे आपको मर चकमा को। कोई और अवसर नहीं, जो निर्णय लेना चाहते हैं आप ले। हम कहते हैं कि इस बार आप कुंवर जगमाल को मृत्यु दंड दे दीजिए। तीर लग गया निशाने पर। माँ, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते। बताइए ना, महल में सारे लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या सचमुच जगमाल काका ने फिर से छोटी रानी माँ को मारने की कोशिश की? अमर सिंह जी, आप इन सब बातों में ना पड़े तो अच्छा होगा। मतलब ये किसी बात हुई? जिस बात को महल के सारे लोग बोल रहे वो बात को मतलब हम क्यों ना जाने? यदि आपने हमें नहीं बताया तो आज हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मत कीजिए भोजन, भूखे पेट सो जाइए। ना ही हमारे पास आपके इन व्यर्थ प्रश्नों के लिए समय है और ना ही धैर्य। तो ठीक है, जाइए, हमें भी नहीं करना भोजन। ठीक ही तो कह रहे, हम ही ने इनको इतना जिज्ञासु बनाया और अब हम ही इनके प्रश्नों को टाल रहे हैं। अमर सिंह जी, और आपको पता है आपके वीर राजी राज ने उसी बर्तन से उस गंदी सी औरत को ऐसा खींच के मारा कि वो धड़ाम से गिर गई। कैसे दिखाए? ऐसे। अमर सिंह जी चलिए यहां से। क्या बात है माँ? हमने कहा चलिए यहाँ से, हमें हमारी सखी से कुछ आवश्यक बातें करनी है। क्या आवश्यकता है आपको उन्हें यहाँ पर भोजन खिलाने की? हमारे कक्ष में जो भोजन पड़ा है उसका क्या करें हम? भोजन व्यर्थ जाना, उसका अपमान करना कितनी बुरी बात है, जानती है ना आप? यही सीख दी है हमने उन्हें बचपन से, तो फिर आप उन्हें उल्टी शिक्षा क्यों दे रही है? अपने परिवार को कैसे अनुशासित रखना है ये हम भली भांति जानते हैं। पूर भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज करे, और वो तो आप ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब कुछ करके सच्चे रंगों से भर दिया है आपने हमारे जीवन को राणा जी। बड़ी महारानी है और इस नाते आपकी कई जिम्मेदारियां हैं कि आप छोटी रानी को उसके अपेक्षित अधिकार दिलवा दें, और वो भी केवल औपचारिकता या मुंह से नहीं, मन से। हमें क्षमा कर दीजिए रानी माँ, क्षमा कर दीजिए हमें, हमने फूल का मन दुखाया। हमने वचन दिया था आपको कि हम फूल को वो स्थान देंगे, पर क्यों हम उसकी खुशियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्षमा कर दीजिए हमें, हमने आपका विश्वास तोड़ा, आपको दिया हुआ वचन हमने ही नहीं निभा पाए। तो मान सिंह, हमारे बंदी बनाए हुए हाकिम खान को तुमने जाने दिया, वो हमारे साथ चाल चल गया शहंशाह, और इन पर पड़ी है रजाई, फौरन उतारो। तो मसला अब यह दरपेश है कि पहले हमारे वजीर खास को एक मामूली अफगान तोपची ने बेवकूफ बनाया, फिर उन्हें अफगान इलाके के बियाबान में भटकने के लिए बेसहारा छोड़ दिया, ताकि वो अपने शहंशाह हिंद के पास जाके रो भी ना पाए। ढंग से बदनसीबी का रोना हाकिम खान ने जो भी काम किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, हमें बस एक कमी महसूस हो रही है उसके इस इंतजामिया में,
उसे आपके साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए था ताकि आप हमारे सामने मुकम्मल तौर पे बदन पे बिना एक भी कपड़े के आदमजात आने पे मजबूर हो जाते। तब तुम्हारी हालत और हमारी जिल्लत और शर्मिंदगी जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं हम दोनों यकसा हो सकती थी। नहीं शहंशाह, जो ये अपमान और असहायता का दंश हम इस समय अनुभव कर रहे हैं उसके समान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बार बार जब ये विचार हमारे मन में आता कि कैसे मूर्ख बना दिया हाकिम खान ने हमें, आग लग जाती है हमारे तन बदन में शहंशाह। अब तो एक ही इल्तिजा है शहंशाह, यदि कभी आपने सचमुच हमारी क्षमताओं पर विश्वास किया तो बस एक मौका दे दीजिए शहंशाह, हम सिद्ध कर देंगे कि आपने हम पर भरोसा कर कभी कोई भूल नहीं की थी शहंशाह। एक मौका क्यों, ऐसा क्या करेंगे आप हमारे लिए? प्रताप सिंह और हाकिम खान का सर और उदयपुर की रियासत आपके चरणों में लाकर रख देंगे हम शहंशाह। ये कॉल है इस राजपूत का शहंशाह, बस हमें करने दीजिए इस हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व। उदयपुर, प्रताप और हाकिम खान तीनों को आपके लिए जीत कर ले आएंगे हम, और आपको उंगली तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वचन देते हैं हम आपको शहंशाह। हम आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं, अब हल्दी घाटी की कमान मान सिंह संभालेंगे। दरबार न्यायिक कार्रवाई शुरू करे इससे पहले अपराधियों के आरोपों को दरबार में सामने लाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। अनुमति है। दरबार के समक्ष प्रस्तुत अपराधी कुंवर जगमाल सिंह और रायमल सिंह के विरुद्ध लगे आरोप। पहला आरोप राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र। दूसरा आरोप राज्य के शत्रु अर्थात मुगलों के साथ मैत्री संबंधी। तीसरा आरोप बड़े दरबार में मेवाड़ के सम्मानित दरबारी की अकारण वध करना। चौथा व अंतिम आरोप मेवाड़ की भूतपूर्व राजमाता धीरबाई जी की हत्या का प्रयास। राणा जी, ऐसे देशद्रोही और इनके द्वारा षड्यंत्रकारी हत्याओं के आरोपित आरोप जो भी न्याय दरबार में प्रस्तुत किए गए, इनमें से यदि एक भी अपराध की तार्किक मीमांसा की जाए तो ये दोनों मृत्यु दंड के लिए पर्याप्त। इसी कारण हेतु समस्त गणमान्य दरबारियों की ओर से हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि न्याय दरबार का समय व्यर्थ किए बिना इन्हें राज्य का सर्वोच्च दंड अर्थात मृत्युदंड दिया जाए।
हम इनका समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं। क्या आपके पत्र में भी आपके दाजी राज ने कुंवर जगमाल के प्रति नरमी बरतने के लिए कहा है? क्या बात है राणा जी? आप इतने शांत? आपकी न्याय प्रक्रिया में विलंब? ऐसे हत्यारे और देशद्रोहियों को तो आचार्य जी आप सभी सही दिशा में सोच रहे हैं। अपराध, उसका उद्देश्य और इन परिस्थितियों का आंकलन आपने बिल्कुल सही लगाया है। अपराध और उसके दिए जाने वाले दंड को लेकर हम आप सभी के सम्मति से सहमत हैं, किंतु आज हमारे समक्ष एक ऐसी बात आई है जो हर नियम और हर न्याय सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है। हमारे दिवंगत राणा जी का एक अंतिम इच्छा पत्र जो उन्होंने हमारे नाम लिखा था वो आज हमारे हाथ आया है, और हम चाहते हैं कि इस पत्र को हम आप सबके समक्ष पढ़ें। उसके पश्चात आप इन अपराधियों के बारे में जो भी कहेंगे हम उसे मानेंगे। प्रताप, हमारी इच्छा है कि आप हमारे बाद हमारी प्रजा का ऐसा ही ध्यान रखेंगे जैसा एक पिता अपनी संतान का रखता है। अच्छे शासक बनना प्रताप, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाना जैसे आपका भटका हुआ भाई कुंवर जगमाल। हम जानते हैं आपके मन में बार बार उनको कठोर से कठोर दंड देने की इच्छा होगी, किंतु मृत्युशैया पे लेटे आपके दाजी राज की एकमात्र अंतिम इच्छा यही है दंड देते समय उनके साथ जितनी भी आपसे संभव हो सके नरमी और क्षमा की बात अवश्य सोचें, और हो सके तो धीरबाई जी को आजीवन स्नेह और सम्मान के भाव से देखेगा। हमारा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप कृपया ये कदापि ना सोचें कि कुंवर जगमाल और रायमल जी को लेकर हमारे मन में पारिवारिक संबंधों के कारण किसी प्रकार का मोह, स्नेह, सम्मान, लगाव ऐसा कोई भी भाव है नहीं। इसीलिए हमने यहां आप सबके समक्ष इस पत्र को पढ़ना उचित समझा। हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज भी हमारे मन में इन दोनों के लिए वही भाव है हमारे शत्रु मुगलों के लिए, किंतु इस पत्र ने हमें बड़े एक विचित्र धर्म संकट में डाल दिया है। आचार्य जी आप ही हमें बताइए, न्याय, नियम और आदर्शों के नाम पर क्या हम हमारे दिवंगत राणा जी के अंतिम इच्छा को भुला दें? चुंडावत जी आप ही हमें उचित मार्ग बताएं, सहायता करें हमारी। इस पत्र को सुनने के बाद समस्त दरबार में अब ना कोई प्रश्न बचा है और ना कोई संशय। हम सब मानते हैं कि पुरखों के आशीर्वाद के बिना आज तक किसी की कोई समृद्धि नहीं हुई है, और हम सब चाहते हैं कि दिवंगत राणा जी की आत्मा को शांति मिले। क्या आप सब भी यही चाहते हैं? हम हृदय से आप सभी के आभारी हैं और सदैव रहेंगे, क्योंकि हमारे इस कठोर और न्यायिक निर्णय लेने से पहले आपने हमारी इस बड़ी दुविधा को सुलझा दिया। समान परिस्थितियों में अपनी धृष्टता और धूर्तता के कारण कुंवर जगमाल ने अपनी मां और मातृभूमि के साथ जो अपमान किया है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, न्याय प्रक्रिया समाप्त होने के पहले हम इन्हीं हाथों से उन्हें मौत के घाट उतार दें।
किंतु नहीं तो नहीं, कुंवर जगमाल और रायमल जी जीवित रहेंगे। किंतु उन्हें दंड दंड अवश्य मिलेगा। हम मेवाड़ के राणा होने की हैसियत से आप दोनों को देश निकालने का आदेश देते हैं और इन्हें इतना दाना पानी देकर यहां से विदा कर दिया जाए कि मेवाड़ के बारिश सीमा तक ये जीवित पहुंच सके। और यदि ये पुनः मेवाड़ के सीमा के भीतर पाए गए तो उन्हें तत्काल मृत्यु दंड दे दिया जाए। हमारे दिवंगत राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए हम हमारी छोटी माँ को रानी माँ का पद फिर से प्रदान करते हैं। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज हमारे दिवंगत राणा जी की अंतिम इच्छा ने आपको बचा लिया। यदि आप फिर हमें कभी भी जीवन में दिखाई दिए तो राणा प्रताप सिंह आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इस बात को भूल से भी भूलिएगा नहीं। शानीमा, हम जा रहे सदा सदा के लिए। अब पता नहीं कब मेवाड़ की मिट्टी देखने नसीब होगी। किंतु रानी माँ, आज तक आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया सबके लिए धन्यवाद। क्या बात है मामा, आप हंस रहे हो? यहाँ हम अपनी रानी माँ से देश निकाले से पहले एक आखिरी बार मिलना है। कितनी मुश्किल से बिना रोए बात कर रहे हैं उनसे और आप एक हंस रहे हैं। कुंवर जगमाल, हम तुम्हारे बचपने पे हंस रहे हैं। क्या समझते तुम अपनी माँ सर, इन्होंने क्या इतनी कच्ची गोलियां खेली? अरे ये जितनी धरती से ऊपर है ना उससे चार गुना ज्यादा धरती के भीतर भी है। आप दोनों को इतना सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि चमत्कारी ढंग से आपका मृत्यु दंड देश निकाले में कैसे बदल गया? हे भगवान, मतलब वो ताजीराज का पत्र? कुंवर जगमाल, आपकी रानी माँ का चमत्कार। आप तो धन्य हो माता, धन्य हो। अब आपने जब इतना सब कुछ खरीद लिया तो इस मूर्ख को ये तो बता दीजिए कि अब हम चाहेंगे कहाँ। वहां जहां आपके सारे सपने पूरे होंगे कुंवर जगमाल। मतलब? अकबर के पास। ये हमारा पत्र है, वहां पहुंचते ही उन्हें दे देना। क्या? हाँ, हाँ, अकबर के पास जा रहे। अब हमें अकबर के पास भेज रही है मासा। मामा, मामा, अकबर के पास जा रहे। याद रहे कुंवर जगमाल, प्रताप को मिटाने का ये अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। आपके साथ रह रहे के हमने इतना तो आपसे सीख ही लिया रानी माँ। आप डरिए मत, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस प्रताप को तो हम नहीं छोड़ेंगे, किंतु मासा, हमें आपकी कमी बहुत खलेगी इस देश निकाले में। दादा भाई, हमारे कुंवर जगमाल का ध्यान रखना, प्राण बसते हैं। चिंता मत कीजिए बहन, हमारे रहते कुंवर जगमाल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चले जगमाल।
प्रताप प्रताप हमें सौगंध है अपने बेटे अपने बेटे जब तक हम आपको देश निकाला नहीं दिलवाते दिलवाते जब तक अपने जगमाल को फिर से उदयपुर की राजगद्दी पर बिठा के बिठा उसे महाराणा नहीं बना दी बना दी तब तक भी भाई जी भाई चैन से नहीं बैठे अब हमारी हर हर इसी लक्ष्य के लिए काम करिए काम करिए जिस किस्म की तैयारी चल रही है मुगल फौज में इस हल्दी घाटी जंग के लिए इस तैयारी से प्रताप क्या चीज है पूरे आलम को फतेह कर लेगी हमारी फौज लगता है हल्दी घाटी के नाम पर कुछ बहुत ही खतरनाक खेल होने जा रहा है प्रताप के खिलाफ हमें हर कीमत पे यहाँ से निकलकर जल्द से जल्द ये खबर प्रताप तक पहुँचानी है जी अब ये कैसे है चिंता की कोई बात नहीं होगी निरंतर अश्वारोहण के कारण अति थकान और निर्जलीकरण के लक्षण है शांत हो जाइए आपका शरीर टूट चुका है एक लंबे अश्वारोहण के बाद बहुत थकान हो चुकी है आप विश्राम कीजिए आप जी मेरी ये तमाम मशक्कत फिजूल चली जाएगी जी की जो मैं कुछ जानता हूँ फौरन मैंने आपको नहीं बताया आगिन खान आप जैसा एक बहादुर अफगान तोपची जो पूर्ण रूप से शरीर से रक्त रंजित हो गया हो फिर भी लक्ष्य से ध्यान नहीं हटा इतना उद्विग्न हमें स्पष्ट बताइए बात क्या है राणा जी अकबर आपके ऊपर एक पर एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है एक ऐसी जंग की तैयारियां जो जो आज तक ना तो किसी ने देखी और ना ही किसी ने की होगी होगी ये सारी तैयारियां निहायत खुफिया और पोशीदा अंदाज में चल रही है ये जंग हल्दी घाटी में लड़ी जाएगी हल्दी घाटी ही खाती हम कुछ ही दिनों से सोच रहे थे कि वो मुगल हम पर अवश्य ही वार करेगा क्योंकि हमने हाल ही में उस पर करारे वार किए सबसे पूर्व हमने रानी दुर्गावती की बहन कमलावती को हम उसके चंगुल से छुड़ा लाए उसके पश्चात हम उसके मंडप में उसके विवाह के दिन फूल को उसकी आंखों के नीचे से हम भगा लाए ऐसे अपमानजनक विष के घूंट पीने के बाद अवश्य ही वो हम पर वार तो करेगा ही किंतु अब आपकी बातों को सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी समस्त शक्ति हल्दी घाटी में ही झोंकनी होगी माफ कीजिए राणा जी हमारे हिसाब से जितना असला बारूद आपके पास है मेरे हिसाब से वो काफी नहीं होगा इस जंग के लिए हम एक युद्ध मंत्रणा के लिए अपने सभी सामंतों के साथ बैठक में जा रहे हैं यदि आपका स्वास्थ्य आपको इस बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है तो आप चल सकते हैं साथियों हमारे वीर योद्धाओं हमने आप सभी को इस युद्ध मंत्रणा के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे मित्र हाकिम खान ने हमें समाचार दिया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो मुगल निकट भविष्य में हमारे विरुद्ध हल्दी घाटी एक भीषण युद्ध की योजना पर काम कर रहा है और यदि हम आकिम खान की बात माने तो वो गुप्त रूप से अपने अभूत सैन्य तैयारियों में जुट गया है अपनी विशाल सेना के अतिरिक्त उस मुगल को उस समय का लाभ भी होगा अपनी विशाल सेना
और अभूतपूर्व सैन्य तैयारियों को वो हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से भी बचाए रखने में सफल रहा। राणा जी, हल्दी घाटी में अकबर के लिए युद्ध जीतना सरल नहीं होगा, किंतु उसके पश्चात भी यदि वो युद्ध जीत जाता तो उदयपुर को अकबर से बचाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर के सुरक्षा कवच में हल्दी घाटी ही शत्रु के लिए हमारी एकमात्र निर्णायक रोक है। तो साथियों, क्यों ना अपनी सारी शक्ति हल्दी घाटी में भेजो, क्यों ना हम अपनी निर्बलता को अपनी शक्ति बनाएं। हम भली भांति परिचित हैं कि हल्दी घाटी में हमारी निर्बलता क्या है। यदि हम अपनी सैन्य शक्ति का अवलोकन करें तो युद्ध की सारी स्थितियां मेवाड़ के विरुद्ध जाते हुए दिख रही हैं। उस मुगल के सैन्य शक्ति के सामने, विशाल सेना के सामने हमारी सेना बहुत छोटी, उसके अस्त्र शस्त्रों के सामने हमारे कारागार बहुत छोटे हैं। और तो और, जब तक हमारे रूठे हुए शक्ति सिंह जी वापस नहीं लौट आते, हमारी सेना का संचालन करने के लिए किसी योग्य एवं निर्भीक सेना नायक भी तो नहीं हमारे पास। आज भाई शक्ति की कमी बहुत खल रही है हमें। पुरस्कार में तुम्हारी मुहर। इतनी कठोर मेहनत मात्र एक मोहर के लिए, यह आपको शोभा नहीं देता कुंवर शक्ति सिंह। जो जो क्षमताएं और गुण हैं आपके पास, उसके अनुसार तो आपको इससे कहीं अधिक मिलना चाहिए। और आपको भी इस तरह अपना राजपाट छोड़कर अकबर की गुप्तचरी करना शोभा नहीं देता मानसिंह जी। व्यंग बाण हो गए बराबर, अब जरा काम की बात कर लें। इन संकट परिस्थितियों में एक ऐसा मार्ग है, यदि हम आसपास के सभी राजपूत राज्यों को साथ लाने का प्रयास करें, वे सभी राज्य जो उन मुगलों के विरुद्ध हैं, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसे घृणा करते हैं, तो हम एक मुट्ठी भर शक्ति बन सकते हैं। ये संभव है आचार्य जी, जितना संभव है। जिस तरह हम और हमारी पूरी अफगान फौज मुगलों के खिलाफ मेवार का साथ देने का वादा कर सकते हैं इस जंग में, हालांकि मुगलों ने जिस कदर तबाह किया है हमारी फौज को अफगानिस्तान में, अभी यकीनन हमारे पास सिपाही थोड़े कम बचे हैं, लेकिन हमारा हौसला और जोश अभी भी बरकरार है। आकिम खान जी, युद्ध केवल हौसले से जीते जाते हैं। राणा जी, मेवाड़ के ध्वज की सुरक्षा के लिए भील पहले भी आपके साथ थे और सदैव आपके साथ रहेंगे, और युद्ध पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। मेवाड़ का स्वतंत्र रहना और शक्तिशाली रहना हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे राणा जी, आखिरी सांस तक। हमें तो अभी इस योजना मंच
स्थितियां पराजय से विजय की मूर्ति में दिख रही हैं, क्योंकि हमारे पास अफगान और भीड़ जैसे अनुभवी योद्धा है। साथियों, ये धरती हमारी है, ये नदियां हमारी है, ये पहाड़ हमारे हैं, ये क्षेत्र हमारा है, शत्रु हमारे ही क्षेत्र में आके हमें हिरण कर रहा है। अब समय आ चुका है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ साथ, पूरे जोश और पूरे हौसले के साथ युद्ध की तैयारी आरंभ की जाए और मन में यह निश्चय कर ले कि किसी भी मूल्य पर हल्दी घाटी मुगलों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यह हमारी मातृभूमि है और हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक हमारी ही रहेगी। जय मेवाड़, जय मेवाड़ के नारे लगा रहे हैं राणा प्रताप और उनके कट्टर समर्थक। अब आप ही बताइए शक्ति सिंह जी, मिलता क्या है उनको ये सब करके? प्रताप जो इस समय कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, बल्कि उनकी कट्टर हट धर्मिता मात्र है। जो उनकी हां में हां मिला देता है उस पर आंख मीच कर भरोसा जता देते हैं वो, और कोई तटस्थ दृष्टि वाला अपने विचार उनके सामने निर्भीकता से रखने का साहस दिखा देता है, जैसे कि आप, तो वो देश निकाला सुना देते हैं। शक्ति सिंह को कोई देश निकाला नहीं दे सकता मान सिंह जी, क्योंकि शक्ति सिंह स्वयं अपने मन का राजा है। आपने असली अपराधी चंद्रसेन पर उंगली उठाने का साहस किया, किंतु प्रताप सिंह ने आपके बजाय चंद्रसेन की बात पर विश्वास करना अधिक उचित समझा। जब आप दुखी होकर मेवाड़ छोड़कर जा रहे थे तो प्रताप सिंह भली भांति जानते थे कि संभवतः आप कभी वापस लौट कर नहीं आने वाले, किंतु ना तो उन्होंने आपको रोकने का प्रयास किया और ना आपको मनाने का। उन्होंने तो कर दी हैं अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट। शक्ति सिंह जी, अब समय आ गया है कि आप भी अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें, और आपकी प्राथमिकताएं मेवाड़ को बचाने की होनी चाहिए, ना कि प्रताप को। इतिहास में अमर होने के लिए वीरगति की बचकानी हट की बलिवेदी पर समूचे मेवाड़ का बलिदान हमारा अनुसरण कीजिए, अन्य साथी राजपूतों का अनुसरण कीजिए। हम इसलिए ये सब आपसे कह रहे हैं शक्ति सिंह जी, क्योंकि प्रताप और उसकी सेना के लिए जो भविष्य शहंशाह अकबर ने सोचा है बहुत ही भयानक है। शक्ति सिंह जी, आप कहना क्या चाहते हैं मान सिंह जी, जरा स्पष्ट करिए। बिना घुमाए फिराए स्पष्ट कहें तो मिला लीजिए शहंशाह अकबर के साथ हाथ, हमारे साथ आ जाइए और बचा लीजिए अपनी प्रजा को, अपने मेवाड़ को, और निभा लीजिए राष्ट्र हित में एक सार्थक भूमिका। अमर सिंह जी, जाइए और ये लड्डू जाकर अपनी छोटी माँ को दे आइए। छोटी माँ, ये देखिए छोटी माँ, हम आपके लिए लड्डू लाए, इन्हें कोई बीकानेर से लाया था। अरे वाह, आपको कैसे पता चला हमें ये अच्छे लगते हैं? बस हमें ऐसे ही पता चल गया। अच्छा, अमर सिंह जी, आप अपनी मासा से कहिएगा, आप चाहे हमें नींद से उठा के भी खिला दें, हम पहचान लेंगे कि ये लड्डू आपकी मासा ने अपने हाथों से बनाया है। क्या आवश्यकता थी ये सब नाटक करने की? आप सीधा आकर हमारे मुंह में लड्डू डाल सकती थी ना, ऐसे। भूल वो। अरे वाह, ये चित्राम किसका है? क्या आवश्यकता है आपको उन्हें यहाँ पर भोजन खिलाने की?
हमारे कक्ष में जो भोजन पड़ा है उसका क्या करें हम? अपने परिवार को कैसे अनुशासित रखना है ये हम भली भांति जानते हैं। कुछ नहीं, वो बस हमने ऐसे ही मन से बना दिया। भूल, अब कौन नाटक कर रहा है? सीधे सीधे नहीं कह सकती आप कि अमर सिंह का चित्रांत बनाया आपने? अरे हाँ, ये तो हमारा ही चित्रांत है। ये देखिए, ये वस्त्र आभूषण, ये सब हमारे ही तो है। नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही वस्त्र। भूल, अमर सिंह जी आप बाहर जाकर खेलिए। भूल, हमने जो किया आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप तो जानती है ना कि हम कैसे हैं, कर बैठते मूर्खता। परंतु आप तो हमारी सखी है ना, जानती है हमें आप। आप एक बार आके हमें समझा देती जिसे पहले समझाती थी। अजब दे, आपको ऐसी औपचारिकता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आइए बैठिए और इस सब बात का ध्यान हम अगली बार से रखें। भूल, अगली बार ऐसा नहीं होगा, विश्वास कीजिए हम पर। नहीं तो पता चला जब आपकी संतान होगी तो आप उनसे कहेंगी कि अपनी बड़ी माँ से मत मिलिए। हजब दे, संभवतः हमारी संतान ही ना हो। ऐसा क्यों कह रही है? आज से हम आपसे जो भी कहेंगे आपको वो करना होगा, और करना क्या आप करेंगी, समझिए आप। ठीक है। क्या शक्ति सिंह? प्रताप का भाई शक्ति सिंह? जी शहंशाह, शक्ति सिंह निडर व्यक्तित्व का धनी, हर हथियार के प्रयोग में बेजोड़, और योद्धा तो निपुण है ही वो। क्या मान सिंह जी, इन खूबियों की वजह से थोड़ी ना लाए हैं आप शक्ति सिंह को यहाँ। आप तो ने लाए हैं ताकि प्रताप को जाति तौर पे भी और फौजी नजरिए से भी कमजोर बनाया जा सके। बोलिए हाँ कि ना। बजा फरमा रहे हैं आप शहंशाह, हम इसीलिए उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। बहुत बड़ा जुआ खेला है आपने मान सिंह जी, खुदा करे कि आपके सभी पास से सही पड़े, क्योंकि अगर कोई दांव उल्टा पड़ गया तो सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी शहंशाह। जैसे हल्दी घाटी की जिम्मेदारी? जी शहंशाह, जैसे हल्दी घाटी की सारी जिम्मेदारी हमारी, वैसे ही शक्ति सिंह की भी सारी जवाबदेही हमारी। भले ही शक्ति सिंह हमारे किसी काम का निकले या ना निकले, पर एक काम की बात तो जरूर है कि शक्ति सिंह प्रताप का भाई है और वो हमारे साथ है। इससे कम फतेह की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? बुलाइए उसे। जी शहंशाह। शहंशाह को कॉर्निश करें शक्ति सिंह। मान सिंह जी, इनका हमारे दरबार में आना ही हमारे सामने झुकने जितना ही है, और कितना गिराएंगे नहीं आप? आत्मसम्मान की अधिक पीड़ा हमारी आत्मा पर हो रही है या फिर शहंशाह की? क्योंकि पिछली बार जब हम इनके दरबार में आए थे तब परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं रह पाई थी आपके लिए। अगर तुम्हें हमारे परचम के नीचे आकर लड़ना है तो अपना ये रवैया बदलना पड़ेगा। नहीं भी बदल पाया तो क्या, आपके लिए तो लाभ का सौदा ही रहेंगे हम, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु प्रताप के भाई जो हैं कि नहीं मान सिंह जी? माशाल्लाह, बहुत सच्ची बात कही है तुमने। अब तो सोचना पड़ेगा कि क्या दें क्या दें। मनसबदारी शहंशाह,
हमें कुछ नहीं चाहिए शहंशाह, हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि हम अपने भाई के विरुद्ध खड़े हैं। वैसे योजना क्या है आप लोगों की? हम राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में एक निर्णायक युद्ध की योजना बना रहे हैं। हल्दी घाटी यानी कि उदयपुर का अंतिम सुरक्षा गढ़। सही समझे हो तुम शक्ति सिंह। तो ठीक है, हम आपके साथ हैं। ठहरो, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानसिंह जी की हवेली में सर उठाए घुसने की? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमसे ऐसे बात करोगे? तुम जानते हो हम कौन है? हम कुंवर जगमाल है, राणा उदय सिंह के पुत्र, राणा संगा के पौत्र और पप्पा रावल के पपौत्र हैं हम। अरे हंसो मत, हंसो मत, ये सच कह रहे हैं। आगरा में आपका स्वागत है कुंवर जगमाल। मानसिंह का प्रणाम स्वीकार करें। मानसिंह जी, अब से हम जब भी उठे तो हमारे लिए एक नायाब सुंदरी और हमारे नहाने के लिए सुगंधित पानी और हमारे भोजन के लिए आगरा का सबसे स्वादिष्ट भोजन। ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने जो हम तुमसे निचोड़ेंगे, राणा प्रताप के प्रिय छोटे भाई। आरंभ में आप क्या लेना चाहेंगे राणा जी? छाछ है, आम पानी है, कांजी पानी है और जलजीरा भी। कुछ भी चलेगा। रोड़े से कहीं हम उन्हें बुला रहे हैं। वो पहले से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राणा जी, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। खम्मा घड़ी राणा जी, घड़ी खम्मा। आप भोजन करेंगे डोरा जी? खम्मा कीजिएगा रानी जी, किंतु अभी नहीं। डोरा जी, हमारे नए भर्ती किए गए सैनिकों का क्या हो रहा है? उनका सैन्य प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है राणा जी, हम शीघ्र ही उनसे मिलना चाहेंगे। हमारे हर प्रयास को दुगना कर दीजिए। संभावित युद्ध के लिए हम प्रतिदिन हमें उन्हें अभ्यास देने पड़ेंगे। उनसे कहना पड़ेगा कि मुगल किस तरह लड़ते हैं, उनकी व्यूहरचना होती क्या है। क्या भाभी, इतना सब किया आपने और दादा भाई को देखी? चलो भोजन तो छोड़िए एक बार। कितनी सुंदर लग रही है फूल भाभी से, उन्हें तक नहीं देख रहे। आपके दादा भाई थोड़े चिंतित हैं, इसीलिए वे ध्यान नहीं दे रहे फूल की सुंदरता पर देखना उनका ध्यान अवश्य जाएगा। खम्मा करनी राणा जी, दरबार में कुछ व्यापारी और साधारण नागरिक आए हैं कोई फरियाद लेके, अगर आप कहे तो उन्हें कल आने के लिए बोल दे। नहीं नहीं, कल हम व्यस्त हैं, उनकी समस्याओं को आज ही सुनेंगे। हुकुम। हम भी आज्ञा चाहेंगे राणा जी। हो गया हमारा भोजन। पैसे
वैसे भोजन कैसा था? अजबदे के हाथों का बना भोजन हमें सदैव स्वादिष्ट लगता है। संभवतः उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलते हैं। भाभी सा, आपका सारा श्रम व्यर्थ गया ना? दादा भाई जान गए कि ये भोजन आपके हाथों का बना है, ना कि फूल भाभी सा के हाथों का। चांद आप जाइए, हम अभी आते हैं। राणा जी के मन में हम कभी स्थान नहीं बना पाएंगे जब थे, वहां हमेशा आप ही रहेगी। फूल आप धैर्य रखिए, यदि मन में स्थान नहीं है तो स्थान बनाएंगे। आप पत्नी है उनकी, आपके मांग में सिंदूर भरा है उन्होंने, धर्म है ये उनका। ऊंची आवाज पसंद नहीं है शहंशाह को। आप घबराइए मत, हम शहंशाह के सामने मुंह भी नहीं खोलेंगे। चले। वे आ गए हैं शहंशाह। खुशामदीद, खुशामदीद। खम्मागणी हुजूर, खम्मागणी। कहिए रायमल जी। हुजूर, ये हमारी बहना ने आपके लिए पत्र भेजा था। बढ़िया मान सिंह जी। शहंशाह अकबर, हम आपके पास अपने पुत्र और दादा भाई को भेज रहे हैं। युद्ध के लिए हमने पैदल सेना की व्यूह रचना की है। शहंशाह, शहंशाह, ये तो प्रताप के विशेष कृपा पात्र है। घबराइए मत, ये अब हमारे साथ है। मानसिंह जी, खत पढ़िए। हमने प्रताप से कभी हार न मानने का प्रण लिया है, क्योंकि हमने कुंवर जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बनाने की शपथ ली है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेवाड़ के राजमहलों में रहते हुए शहंशाह अकबर की हर संभव सहायता करेंगे। बस अब आगे क्या करना है ये निर्णय आप लें, और हमें सूचना भिजवाएं कि हमसे क्या अपेक्षा है आपकी। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। शहंशाह हिंद से की गई फरियाद कभी खाली नहीं जाती। हमने जो कॉल दिया है, हम उसे अमली जामा पहना कर दिखाएंगे। हम इसी वक्त जगमाल सिंह महाराणा मेवाड़ तस्लीम कर ताजपोशी का हुक्म फरमाते हैं। महाराणा जगमाल की जय। 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 भीम सिंह जी, वाह, क्या अश्व नियंत्रण है आपका। ऐसे उद्दंड अश्व को भी आपने बड़ी सरलता से नियंत्रित कर लिया। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्बा, आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हल्दी घाटी का ये युद्ध, और इतने कम समय में आपको एक विशाल अश्वारोही सेना भी तो तैयार करनी है। अश्व क्षेत्र में प्रगति तो चल रही है राणा जी, परंतु उस गति से नहीं जिस गति से प्रगति चलनी चाहिए। भीम सिंह जी, आप चेतक का प्रयोग क्यों नहीं करते इन अश्वों को प्रशिक्षित करने में? सब जानते हैं राणा जी, अगर इन अश्वों में चेतक के थोड़े से भी गुण आ जाए तो रणभूमि में चमत्कार हो सकता है। तो फिर समस्या क्या है राणा जी? चेतक इस समय थोड़ा सा उद्विग्न चल रहा है। उद्विग्न चल रहा है,
अच्छा, ये तो आश्चर्य की बात है। अधिकतर वो ऐसे कार्यों के लिए सदैव उत्साहित रहता है। क्यों ना आप उसके आम को थोड़ा संतुष्ट कीजिए, अवश्य आपकी सहायता करेगा। अरे चेतक चेतक, तुम बताओगे नहीं कि क्या चाहिए तुम्हें, तो पता कैसे चलेगा मुझे। चेतक, क्या बात है, सुना कि आजकल आप बहुत उद्विग्न हो रहे हैं। इतने उद्विग्न क्यों, इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं आप? ये उस ओर क्यों देख रहे हैं? आ क्या है? कुछ भी नहीं राणा जी, उस ओर तो हम गर्व वाली घोड़ियां और रोगी अश्वों को रखते हैं बस। अब जब इन्होंने ठान ही लिया है तो ये अब ना ही आपकी बात सुनेंगे और ना ही हमारी। इन्हें जाने दीजिए, जाइए। हटो हमारे रास्ते से। होश में आइए, अपने गुस्से पे काबू रखिए। यूं बेहवास होना आपके लिए मुनासिब नहीं। नहीं लाना चाहते हमें संतान को संसार में। फिर भाई, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए। बात क्या है? क्यों जन्म दे हम अपने संतान को ये दिखाने के लिए कि देखो आपके पिता को युद्धों से कितना प्रेम है, राजपूतों से कितनी नफरत। याद है आपको, याद है कि वो फकीर बाबा ने क्या कहा था आपसे? अगर मैदाने जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। यदि आपने प्रताप के साथ आमने सामने का युद्ध किया तो वो आपके जीवन का अंतिम युद्ध होगा शेष। अच्छा, तो हल्दी घाटी को लेकर फिक्रमंद हैं आप? हम वो जंग नहीं लड़ रहे हैं। सब कुछ आपके भतीजे मान सिंह को सौंप दिया है हमने, वही लड़ेंगे हल्दी घाटी की जंग। और यदि प्रताप ने मान सिंह को हरा दिया तो उनका अगला लक्ष्य तो आप ही होंगे ना शहंशाह? इस प्रकार तो ये युद्ध कभी अंत ही नहीं होगा। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आपके और प्रताप के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप उनके साथ शांति संधि कर ले, शत्रुता भूल जाए, अन्यथा आप अपने होने वाले वारिस की शक्ल कभी कभी देख पाएंगे। शहज, आप ये मत सोचेगा कि राजपूतों के हितों को लेकर हम उन्हें अधिक महत्व दे रहे हैं। पति माना है आप, इसलिए परमेश्वर भी मानते हैं, पूजा करते हैं हम आपकी। ये जो मांग में सिंदूर है वो भी आप ही के नाम, इसलिए हम चाहते कि आप हमेशा हमेशा हमारी संतान के साथ। हम बस यही चाहते हैं कि आप ये युद्ध ना करें। चेतक, तो श्रीमान यहां छुप छुप कर परिवार बसा रहे हैं। बधाई हो, बधाई। अमर सिंह जी जाकर कहिए कि छोटा चेतक आ गया है, शीघ्र जाकर मित्रता कर लें। आप तो छुपे रुस्तम निकले। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, हल्दी घाटी के लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं शहंशाह। और इस युद्ध के लिए हमने खास मंगोल अश्व मंगवाए हैं। ये अश्व बाकी अश्वों से अधिक शक्तिशाली तो होते ही हैं, दौड़ने में इनका कोई मुकाबला नहीं, और युद्ध में तो कमाल ही कर जाते हैं ये अश्व। हम चाहते हैं मान सिंह आप मेवाड़ जाएं, हमारा अमन का पैगाम लेकर दोस्ती के शांति संधि मैत्री, वो भी प्रताप के साथ। पर हल्दी घाटी शहंशाह, हम जानते हैं मान सिंह आप इस जंग के लिए तैयार हैं, पर मजबूरन हमें यह फैसला लेना पड़ रहा है। क्या क्या शर्तें रखी जा सकती हैं अमन के लिए, दोस्ती के लिए मेवाड़ के साथ, वे सब फौरन तैयार की जाएं। पर शहंशाह, ये बात आप भी जानते हैं कि बिना युद्ध में परास्त किए
यदि हमने प्रताप के साथ संधि का कोई प्रयास किया तो उनकी ओर से हमें कोई अधिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बाकायदा जानते हैं हम मान सिंह, और क्या करें, हाथ बंधे हुए हैं हमारे। बीच मंत्रणा में व्यवधान डालने के लिए क्षमा चाहते हैं शहंशाह, किंतु हम जानना चाहते हैं कि क्या सोचा है आपने इस युद्ध के विषय में। नहीं होगी अभी जान, हम आपके भतीजे को आपसी अमन के पैगाम के साथ भेज रहे हैं प्रताप के पास। क्या ये सही कह रहे हैं मानसिंह जी? जी मलका आलिया, शहंशाह ने हमें प्रताप सिंह के साथ शांति संधि के लिए मेवाड़ जाने का आदेश दिया है। देख रहे हैं मानसिंह जी, हमारा मशवरा है कभी अपनी औलाद के लिए ख्वाहिशमंद मत होना, वरना देख लें अपनी औलाद के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है हमें। जी शहंशाह। भाई मानती है ना आप प्रताप को अपना, चाहे तो हमारे और उसके दरमियान दोस्ती के लिए खत भी लिख सकती हैं आप उसे, जोर डालने के लिए उस पर, जैसे हम पर जोर जबरदस्ती की है आपने। हम तो मान गए आपकी बात, पर शायद वो ना माने, तो ऐसे में क्या पता आपका खत मददगार साबित हो जाए हमारे अमन के लिए। ये सब किसी स्वप्न के समान लग रहा है हमें शहंशाह, हम अवश्य ही उन्हें पत्र लिखेंगे। बल्कि खाली खत ही क्यों, आप हमारी तरफ से उन्हें एक तोहफा भिजवाई। बड़ा सख्त दुश्मन है हमारा, इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करेगा। पत्र, इसके बाद उपहार, अब तो प्रताप को अपनी बहन की बात माननी पड़ी। हमारे पास शब्द ही नहीं है आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद शहंशाह। देखिए माँ, ये कितना सुंदर है ना, लेकिन ये सब इतने जल्दी कैसे हो गया? अमर सिंह जी, बस ऐसे ही हो गया। कितना सुंदर है ये छोटा चेतक, अब हम सारा दिन इसके साथ खेलेंगे। अरे आप इसे छोटा चेतक क्यों कह रहे हैं, हमें तो ये नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु हमें छोटा चेतक बहुत अच्छा लगा। इसका अर्थ है कि दाजीराज और माँ की रुचि एकदम एक जैसी है, क्योंकि सबसे पहले दाजीराज ने इसे छोटा चेतक कह के पुकारा था। और छोटी माँ, आप चिंता ना करें, हमारे दिमाग में इसके लिए एक नया नाम आया है, नाटक। कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा नाम है, यदि आपकी मासा को अच्छा लगता है तो। आपको अच्छा लगा, अमर सिंह जी को अच्छा लगा, तो फिर हमें भी अच्छा लगा। तो अब सुन लिया तुमने, अब से तुम हो नाटक, क्योंकि सबको अच्छा लगा ये नाम। अरे वाह, नाटक के पिताजी को भी ये नाम अच्छा लगा। इसका अर्थ है जैसे हम दाजीराज और माँ के पुत्र है, वैसे नाटक चेतक और उस घोड़ी का पुत्र है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर छोटी माँ, आप भी तो दाजीराज की पत्नी है, तो फिर आप कब लाएंगे एक पुत्र? अमर सिंह जी, चलिए बहुत हो गया खेल कूद, अभी आचार्य जी आते होंगे, चलिए। बताइए ना छोटी माँ, कब लाएंगे आपके एक पुत्र? आखिर हमारे पास भी होना चाहिए एक छोटा भाई खेलने के लिए। अमर सिंह जी, हम अभी देख कर आते हैं कि आपकी खीर तैयार हुई है। अमर सिंह जी, दुखा दिया ना आपने उनका मन। माँ, आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया? अरे बाबा, कभी कभी भोली भाली बातें भी लोगों का मन दुखा देती है। शांति संधि प्रताप के साथ शहंशाह, ये तो कहना पड़ेगा शहंशाह, आपके इस निर्णय से हम भी उतने ही आश्चर्यचकित हैं जितने हमारे भाई जगमाल आश्चर्यचकित हैं। हमें तो लगा था कि आप दादा भाई प्रताप के पूर्ण विनाश से कम संतुष्ट नहीं होंगे। हमने इस पूरे मसले को गौर से देखा है और हमें लगा कि प्रताप के साथ हमारी दोस्ती हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। भले इसके लिए हमें रियासत उदयपुर को दूसरी तमाम रियासतों की तरह अपनी मातहती में लेने की जिद को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मेवाड़ के साथ सियासती दोस्ती में कामयाब होने के लिए ये खास रियासत भी हम उनके साथ करने की सोच सकते हैं। दूसरे किसी भी रास्ते से
इस रास्ते में हमें सबसे ज्यादा फायदे नजर आ रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा इस बात का है कि अगर प्रताप हमारा दोस्त बन गया तो फिर हिंदुस्तान में और कोई हमसे बगावत करने की सोच भी नहीं सकता, और इससे अपने मुल्क में हमारे ऊपर सब एतबार करेंगे। किंतु शहंशाह, हमने तय किया है कि अपनी मुहाइदा के लिए मान सिंह जी जाएंगे, और उनके साथ जगमाल सिंह भी उनका साथ देंगे। शहंशाह, आप इससे अच्छा अपनी अपनी तलवार से हमारी गर्दन उड़ा दीजिए, क्योंकि प्रताप ने तो हमें देश निकाले का आदेश दिया है, और हमसे ये भी कहा है कि यदि हम फिर से उदयपुर में दिखे तो वो प्राण ले लेगा हमारे। कोई भी समझदार राजा अमन के हर कार्य को कत्ल नहीं करता, खासकर कि वो जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का अमनी पैगाम लेकर आया हो। आपके हुक्म से बड़ी प्रसन्नता के साथ शांति अभियान का नेतृत्व करेंगे हम शहंशाह। शक्ति से अगर आप मुनासिब समझे तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। डोड़ा जी, हम जिस विस्फोटक का प्रयोग कर रहे हैं, झाड़ी जी से कहिए कि कल सुबह हमें उसका एक नमूना दिखाए। राणा जी, आप बिना विश्राम किए सुबह से अथक कार्य करते जा रहे, कम से कम अब तो विश्राम कर लीजिए। डोड़ा जी, बहुत सारी युद्ध की तैयारियां करनी है, और इस बार संसाधन भी कम है और समय भी, दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। आप जाके विश्राम कीजिए, शुभरात्रि। कार्य जल्दी समाप्त कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, देख ये सब क्या है? अधिक समय से हमें इस कक्ष का नवीनीकरण करना था, तो हमने सोचा ये कार्य आज ही आरंभ कर लेते हैं। तो हम विश्राम कहाँ करेंगे, सोएंगे कहाँ? हमने रानी महल के बाएं भाग के पहले कक्ष में आपकी तैयारी की है सोने की, अब वहाँ पर जाकर सोइए। हम और आप? नहीं नहीं, हमें ये सब कुछ समेटना है, आप जाइए हम आ जाएंगे, जाइए। अरे ये क्या बात है, हम अकेले जाके विश्राम करेंगे और आप इन कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नहीं, आप भी चलिए हमारे साथ। इतना बड़ा युद्ध है आपके सामने, थक जाते हैं, आप जाकर विश्राम कीजिए, जाइए सोइए। अच्छा अच्छा ठीक है, सच कहें तो आपसे विवाद करने की भी शक्ति नहीं है हमारे पास, हम जा रहे हैं, किंतु आप शीघ्र ही आइएगा। आप भी ना, आप ये सब जो कर रही है इसका कोई परिणाम निकलेगा इसमें हमें अभी भी संदेह, क्योंकि हम जानते हैं वो केवल आपको चाहते हैं। जब थे बहुत शीघ्र सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, परंतु आपको भी थोड़ा जतन करना होगा इसके लिए, आपका भी उतना ही अधिकार है उनके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने का, और इसके लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई अपराध नहीं कर रही है अपना अधिकार मांगकर। ये सुगंधित जल है, सुगंधित वातावरण है, पोर पोर नहाइए इसमें और वरण कर लीजिए अपने जीवन की प्रथम रात्रि को। आप रानी महल के बाएं भाग का पहला कक्ष है ना? जी हाँ, ये वही कक्ष है। ये अजब देवी ना? जी नहीं नहीं कुछ नहीं, वो संभवतः भूल से उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया होगा। वो क्या है कि हमारे कक्ष में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ भेज दिया हमें विश्राम करने के लिए। हमें भी अजब दिन ही भेजा है। आपको भी ये अजब देवी ना, उसकी बुद्धि आपकी गाय कैसी है? हमारी गाय? गाय तो अजब देखी है, बचपन में थी। हाँ बचपन में, नाम लक्ष्मी। यहाँ अकारण स्थितियां हास्यास्पद हो रही हैं, चलना ही बेहतर होगा।
अजब देश से कोई भूल नहीं हुई है। अजब देख, अजब देख। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर? हम वहीं हैं जहाँ मैं होना चाहिए, इस कक्ष में। क्यों? यदि आप इन स्थितियों में रह सकती हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? नहीं राणा जी, आपको इस कक्ष में नहीं होना चाहिए था। बंद कीजिए अपने ये प्रवचन अजब दे, बस बहुत हुआ। अजब दे, हम दिन भर युद्ध की तैयारियों के बाद जब वापस लौटते हैं तो हमें दोपहर शांति के चाहिए। ऐसे में यदि आप भी हमें टूर ढकेल देंगी तो कैसे होगा? जितना अधिकार हमारा आप पर है उतना ही फूल का आप पर है। हमारा अधिकार केवल आप पर ही है। अपनी मित्रता बचाने के लिए हमारे निजी व्यक्तिगत मामलों पर आप कुछ मत कहिए उनके बारे में। उनके बारे में निर्णय लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। राणा जी, बात वो नहीं है, आप समझिए बात। अजय, हमें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। भोजन आप बनाती हैं और शाही देती हैं फूल को। जानबूझकर हम दोनों को एक कक्ष में क्यों पूछ रही हैं? क्यों? चीजों को संवारने के बजाय उन्हें बिगाड़िए मत। हम दोनों के बीच जो मित्रता है उसे रहने दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसे प्रयास करेंगे तो मित्रता। राणा जी, फूल ने केवल मित्रता के लिए नहीं किया था आपसे विवाह। अजब दे, हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। हमारे लिए हम और हमारा प्रेम वही सत्य है। जो भी तथ्य इसके विरुद्ध जाता है ना, वो हमारे लिए विष समान होता है, और जो भी इसके संग वो अमृत। हमने आपको पहले भी कहा है और आज फिर कहते हैं, कोई फूल, कोई भी आपके हमारे बीच नहीं आ सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। आप हमारा पहला प्रेम हैं और सदैव रहेंगे इस जन्म में, अगले हर जन्म में। राणा जी, क्या बात है? आगरा से विशेष संदेश आया है। आगरा से संदेश?
शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बोलो मुल्तान खान, मिला वो हीरा जिसकी शिद्दत से तलाश थी हमें। अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से एक नायाब हीरा मिला है शहंशाह। जिल्ले सुभानी, लकड़ी की कारीगरी में इसके पास जो फन है उसका मुकाबला पूरे बर्र सगीर में कोई नहीं कर सकता। तो क्या अपने फन से तुम प्रताप सिंह के लिए एक ऐसा शानदार तोहफा बना सकते हो जो शहंशाह हिंद की शान और रुतबा दोनों को जेत सके? एक ऐसा तोहफा जिसे देखते ही दुश्मन भी दोस्त हो जाए। क्यों नहीं आलम पन्हा? तो फिर ये लो, तुम्हारी सोच को शक्ल देने के लिए एक इब्तदाई इशारा। प्रणाम शहंशाह। क्षमा चाहते शहंशाह, किंतु हम आपको यहाँ पे सबके सामने प्रश्न पूछ के अपमानित नहीं कर रहे हैं। किंतु शहंशाह, आप क्या कर रहे हैं? आपके और हमारे परम शत्रु के पास शांति के लिए शांति दल भेज रहे हैं, और अब ये विशेष तोहफा? प्रताप सिंह महाराणा है मेवाड़ के, तो फिर उनके रुतबे के मुताबिक हमारी तरफ से तोहफा भी नायाब ही जाना चाहिए ना। यदि महाराणा की बात है तो हम भी तो मेवाड़ के महाराणे ना शहंशाह, और आप ही ने तो स्वयं हमारे सर पे मुकुट रखा था ना। सिर्फ सर पे रखे हुए ताज से कुछ नहीं होता है मियां, हम तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सर का ताज और राज सिंहासन दोनों मिल जाएं तुम्हें। राणा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो आपके समक्ष समस्त दरबार में हम अकबर का संदेश पढ़ना चाहेंगे। अनुमति है आचार्य जी। राणा प्रताप मेवाड़ के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमन और चैन कायम करने के लिए हम अपनी ओर से एक अमनी दस्ता आपके साथ बातचीत के लिए भेजना चाहते हैं, जिसमें मान सिंह के साथ अहम हिस्सा होगा। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, हमेशा हमेशा के लिए अमन और चैन कायम करने के लिए हम अपनी ओर से एक अमनी दस्ता भेजना चाहते हैं, जिसमें मान सिंह के साथ अहम हिस्सा होगा। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, हमें इस बात को पहले ही भाप लेना चाहिए था कि देश निकाले के बाद वो सीधे उस मुगल के पास ही जाएंगे। राणा जी, मेवाड़ की पवित्र धरती पर कदम रखते ही आपको उनके प्राण ले लेने चाहिए, और देश निकाला देते समय आपने ऐसा ही कहा था राणा जी दरबार में। हाँ झाला जी, हमने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, निश्चित रूप से हम ऐसा ही करते हैं। इनको जगमाल जो है वे तो शांति दल का हिस्सा बन के आ रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि शांति दूत हम सभी के लिए अवध्य होता है, चाहे वो दूत कुंवर जगमाल ही क्यों ना। हमें नहीं लगता कि हमें अकबर के किसी भी वार्ता पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें लगता है हमें तो उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है वो। कल निर्णायक युद्ध करने वाला था वो हमसे, और आज अचानक शांति की बात कहां से कर रहा है वो? क्या लाभ होगा उसे हमसे शांति संधि करके? अकबर का लाभ ही लाभ है भीम सिंह जी। यदि हमारे साथ मैत्री संधि स्थापित करने में अकबर सफल हो जाता तो समस्त भारतवर्ष में उसका नाम हो जाएगा, जिससे अनेकों राज्य बिना युद्ध के अकबर के सामने अपने घुटने टेक देंगे, उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेंगे। और यदि हम ये महायुद्ध लड़ते हैं अकबर के साथ तो कई लोगों को ज्ञान मिलेगा, उन्हें इससे सीख मिलेगी, उनकी अंतरात्मा जागेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई योद्धाओं का जन्म होगा। और दूसरी ओर यदि हम मैत्री संधि स्वीकार करते हैं तो अकबर के भय से और बिना दृढ़ नेतृत्व के
या ही राज्य अकबर की प्रभुसत्ता उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, जिससे अकबर का साम्राज्य और दृढ़ होगा, वो भी बिना युद्ध किए। वो सब तो ठीक है आचार्य जी, किंतु मेवाड़ के साथ अकबर कभी सीधा नहीं रहा है, पर हमारे राणा जी के प्रति उसके मन में जो शत्रुता और बदले की भावना कूट कूट के भरी है, ये तथ्य हम सब अच्छे से जानते हैं। किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे प्रति जो उनके मन में घृणा थी वो मित्रता और प्रेम में कैसे बदल सकती। शांत हो जाइए, हमारे विचार से आप सभी ने अपने अपने मत दे दिए इस विषय के बारे में, किंतु हमें अंतिम निर्णय के लिए राणा जी के मत की प्रतीक्षा करनी होगी। हम आप सभी के मतों का सम्मान करते हैं, किंतु हमारी परंपराएं और हमारे आदर्श इस बात पर स्थित है कि हमें मैत्री मंडल से मिलना चाहिए। एक बार हमें उनसे अवश्य ही मिलना चाहिए। वो मुगल कैसा है इस बात से हम सब भली भांति परिचित हैं। इसके उपरांत एक खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के हम उसके शांति प्रस्ताव को सुनने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। उस मुगल ने आज तक जिससे भी भली भली बातें की हैं उसके पीछे उसके छिपे हुए दुष्ट उद्देश्य रहे हैं। पेट में छुरा भोंकने में वो अभ्यस्त है और किसी की भी मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती। इसीलिए हम सबको अपनी मातृभूमि और प्रजा की सुरक्षा के लिए हर पल सजग रहना होगा। शांति वार्ता के समय भी हमें सजग रहना होगा। क्षमा चाहते शहंशाह, हम तो ना ही अनुभवी और ना ही आपकी इतनी समझ है, किंतु एक बात कहना चाहेंगे। शहंशाह जो भी बोल रहे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मियां बस इतना भर कीजिए कि हमारी तरफ से अमन की बातचीत करने के लिए जो शाही दस्ता जा रहा है उसके साथ आप भी मेवाड़ जाएं और वहां अपने आंख और कान खुले रखो और अपनी अम्मी जान जो कोई भी खास बात है आपको हमारे पास पोशीदगी के साथ भिजवाना चाहे वो बस चुपचाप खामोशी के साथ आकर मुल्तान खान को बता दे। बस वापस लौट के बता दो। और मुल्तान खान जाएंगे बात करने के लिए, किंतु इस अभियान के नेता तो मानसिंह जी थे ना, हम मानसिंह को नहीं बता दे सारी गुपनीय बातें। बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में है, हम आप पर ज्यादा यकीन करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? बस शहंशाह आपने बोल दिया ना, बस सब समझ में आ गया हमें। चलें भाई जगमाल। तो शक्ति सिंह, हमारे मशवरे पे सोचा आपने और आखिर उसे कबीले अमन तय पाया। दादा भाई प्रताप से हमारी शत्रुता हमारी निजी समस्या है, उसके लिए हम अपने आप को शांति विरोधी क्यों बनाएं? कबीले तारीफ है तुम्हारे रोशन ख्याल, हमारी दरख्वास्त है खुदा से कि आप सबको इस अमन की कोशिश में कामयाबी मिले इंशाल्लाह। राणा प्रताप सिंह के पास हमारे शहंशाह जो यारी और दोस्ती के लिए शाही दस्ते को भेज रहे हैं, शर्त है इसमें उनकी कोई बहुत बड़ी चाल पोशीदा है। राजमाता की जय और आप जुग जुग जिए राजमाता। राजमाता के पद का आनंद हम तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक हमारे मन में ये उथल पुथल चल रही है। क्यों कुंवर जगमाल अकबर के शांति दल में आ रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ? क्या बात है राजमाता? कुछ भी नहीं, वो हम ठीक महसूस नहीं कर रहे, आप दान कर दीजिए।
तो इस शांति वार्ता के पीछे अकबर का खेल है। जहां बना आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा हमारा। जो भी सहायता आपके दल को चाहिए होगी हम करेंगे। आप हमारे बारे में सोचिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। बस ऐसे ही चलता रहेगा हमारा काम। हीर भाई, या तो आप ही चलाती है ना सदा? हाँ, पर इस बार आप चलाइए। अब मंत्र पढ़ने के लिए भी हमें ही कहेंगे क्या? ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। राणा जी से हमें प्रेम दिलाना इतना सरल नहीं है जितनी कि ये पूजा, जहां हर चरण पे आप अपनी जगह पे हमें आगे कर रही थी। राणा जी के मन में ना तो आपकी इच्छा अनुसार कोई काम हो सकता है, ना ही आपकी इस पूजा की सहजता की अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि हम जानते हैं राणा जी के मन में केवल एक ही सिंहासन है, जहां वे आपको बिठा चुके हैं। जहां हमारे लिए कोई स्थान ही ना, वहां हमें बिठाने की हट ना करे जब थे। यदि आवश्यकता पड़ी ना तो हम सिंहासन से स्वयं को हटाकर आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। हजब दे, अब हम कोई बच्चे नहीं रहे जो अपनी प्रिय वस्तु को आपस में बांटे। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए राणा जी पे कोई दबाव डालें। प्रेम तो दबाव रहे और स्वतः स्फूर्त होता है। जो मन से निकले वही प्रेम की बोली, और जिस दिन राणा जी के मन में हमारे लिए बोली फूटेगी हमें अपना प्रेम मिल जाएगा। हर जब तक ऐसा ना हो हम यही चाहेंगे राणा जी के मन में आपका जो स्थान है वही बना रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें इस बात की बेहद खुशी हो रही है बिलोल खान, ऐसे खास खूंखार आदमखोर जंगजू जो मिलके हमारी इस खास मुहिम में हमारा हिस्सा बने। कितनी शाइस्तगी के साथ तुमने हमारे दोस्त फैजल खान को इस बात को समझाया और फिर उन्हें मना भी लिया। काफी आसान काम नहीं रहा होगा ये आपके लिए। दिल खुश हो गया फैजल खान? गुस्ताखी माफ है जी, आपकी मुहिम कितनी भी खूंखार और खतरनाक क्यों ना, आप जानते हैं मैं हमेशा अकेले ही काम करता हूं। ये मुहिम भी मैं अकेले ही निपटा देता हूं। पर क्या करें, बादशाह आप हैं और शहंशाह हिंद के हुक्म की हुक्म अदुली नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखा है हम, इसलिए मान लिया जो बहलोल खान ने हमें कहा। फैजल खान, एक बार तुम हमारी मुहिम के बारे में जान जाओ तो फिर जो कह रहे हो नहीं कहोगे। कसम लेकर कह सकते हैं हम ये बात। अब जान सकते हैं शहंशाह उस मुहिम के बारे में? इंशाल्लाह बहुत जल्द जान जाओगे, बहुत जल्द। अगर मान सिंह जी अमनी करार हासिल करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो
फिर आप फैजल खान और उसके साथियों के साथ मिलकर दूसरी तजवीज को हासिल करने में तैयार रहिए। उसी वक्त आप लोगों को कुछ कर डालना होगा। आप समझ रहे हैं ना बहलोल खान? और याद रहे, ये निहायत ही पोशीदा मुहिम है। पर हुजूर, अगर होगी मेवाड़ के साथ अमन और दोस्ती कायम और दस्तखत भी कर दिए करारनामे पे, तो जगमाल का क्या करेंगे फिर? तो मार देंगे हम जगमाल। माल कौन सा हमारा खून दौड़ रहा है उसकी रगों। राणा जी, मान सिंह बराबर नहीं है आपके औहदे के, और इस वक्त वो मुगलों के दूत बन के आ रहे हैं। आप क्यों उनसे बातचीत करना चाहते हैं? राणा जी, हाकिम खान जी के पक्ष से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। ये भी क्या कम है, मेवार की धरती पर पांव रखते ही हम उनके सरों को धड़ से अलग नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे राणा जी के साथ आमने सामने वार्ता कराना बहुत अधिक ही नरमी दिखाने जैसा होगा। मैंने तो स्वयं कितनी कठिनाई से उनके सर को उड़ाने की इच्छा को दबाया है। भीम सिंह जी, शांत हो जाइए। आप सभी तो गदाधारी भीम बने बैठे हैं। आप सभी को व्यर्थ में उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हमारा इस सीधा वार्ता राजनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो फिर ठीक है, हम नहीं मिलेंगे उस मुगल से। आचार्य जी, शांति वार्ता का संचालन आप करेंगे, किंतु हमें अब भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुगल इस वार्ता में किसी राजमहल के सदस्य से ही मिलना चाहेंगे। राणा जी, हमारे प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन सम्मिलित रहेगा, इस विषय पर हमने विचार किया है। भाई ये देखिए, हमने नाटक के लिए ये विशेष रूप से बनाया है। ये अच्छे है ना, इसे नाटक के पीठ पर रखेंगे, हम इसमें बैठेंगे और हम दोनों युद्ध में जाएंगे। नहीं नहीं अमर सिंह जी, युद्ध के लिए आप और नाटक अभी दोनों बहुत छोटे हैं। अभी तो आप लोगों को अपने माता और पिता के साथ वक्त व्यतीत करना चाहिए। एक बार आप दोनों बड़े हो जाएंगे तो नाटक अपनी माँ के साथ और आप हमारे साथ समय कैसे बिता पाएंगे? उफ, आपका ये माँ का भावना वाला पक्ष ना इतनी बहुत सारी समस्याएं खड़े करने लगा। और अगर सभी माएं आप जैसी है ना, तो दोबारा विवाह मत करना। अमर सिंह जी, यदि ऐसी बात है तो आपसे अभागा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो शक्ति एक स्त्री की भावनाओं में होती है ना, वो तलवारों में भी नहीं होती। और दादीराज, हम तो माँ के साथ परिहास कर रहे थे। फिर ठीक है, अजब दे, हमें इन्हें लेकर जाना है। कहाँ? आखेट में? जी नहीं, आखेट में नहीं, इन्हें हमारे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है, उस मुगल प्रतिनिधि मंडल के साथ शांति वार्ता के। नहीं नहीं, आप नहीं ले जा सकते अमर सिंह जी को किसी मुगल से मिलाने। अरे पर हम क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए, पूर्ण रूप से सुरक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि आपको अब इन्हें खुले छोड़ देना चाहिए, पनपने दीजिए इन्हें, एक निडर और साहसी राजकुमार की भांति। मां जाने दीजिए, हम आपको वचन देते हैं, हम बहुत ध्यान से रहेंगे वहां। धन्यवाद अजबते। ये तो कुछ समय पूर्व स्वागत वाली बात हो रही है। लगता है शांति वार्ता की सफलता के लिए जितना हम उत्सुक हैं, प्रताप सिंह भी शांति के लिए उतने ही अधीर हो रहे हैं। बस थोड़ा सा समय और दीजिए हमें, हमारा दूसरा दल अभी मार्ग में है, अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं, फिर करेंगे ना हम उदयपुर का अविस्मरणीय अतिथि सत्कार। मान सिंह जी, ये है मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल जो आपके साथ शांति वार्ता करेगा। कुंवर अमर सिंह जी, जो अपने पिता मेवाड़ नरेश
राणा प्रताप का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आचार्य राघवेंद्र? हम एक बच्चे और प्रधानमंत्री से वार्तालाप नहीं करने वाले हैं। हमारे इस प्रतिनिधि मंडल के एक एक प्रतिनिधि को बड़े ध्यान से चुना है शहंशाह अकबर ने, और आज तक जितने भी प्रतिनिधि मंडल गए हैं मुगल साम्राज्य के, उन सब में से इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है शहंशाह ने। कि राणा प्रताप को ऐसे ही अपमान करना था इस प्रतिनिधि मंडल का, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था हमारे स्वागत के लिए। मैं पहले ही सोच लेना चाहिए था कि राजपूत कभी कर ही नहीं सकते मुगल के साथ शांति वार्ता के लिए सौहार्दपूर्ण वार्ता। चलो वापस आगरा चलते हैं। रुक जाइए मानसिंह जी, जी। आप जैसा देशभक्त मुगल बच के नीचे? अमर सिंह जी, और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा हमारे लिए आपके दाजी राज ने। शक्ति सिंह जी, देशभक्ति को सुविधा अनुसार अपना या छोड़े जाने वाली वस्तु नहीं होती। हम एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत स्तर पे नहीं जाना चाहिए। आप जाकर कह दीजिए हमारे दादा भाई प्रताप से कि वे ये शांति वार्ता कर सकते हैं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। हमें शांति वार्ता से कोई आपत्ति नहीं, किंतु हम किसी भी मुगल को अपने राजमहल में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो फिर ठीक है, हम बिना किसी मुगल सिपाही के इस शांति वार्ता के लिए जाएंगे। मान सिंह जी एक राजपूत है आचार्य जी, कछवाहों के कुंवर भी हैं ये। इनकी बुआ हीरबाई सा भाई मानती है दादा भाई। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मान सिंह जी क्यों नहीं जा सकते इस शांति वार्ता के लिए। पदों के इस राजनैतिक मापदंडों में से कोई ना कोई खिड़की तो इस शांति वार्ता के लिए निकाल ही सकते हैं ना आचार्य जी। क्यों मान सिंह जी, क्या कहते हैं आप? हम कुंवर शक्ति सिंह और कुंवर जगमाल पहले चक्र की वार्ता के लिए मिल सकते हैं राणा प्रताप से उनके दरबार में। हम आपका यह प्रस्ताव रखेंगे राणा जी के समक्ष, किंतु स्मरण रहे किसी भी मुगल के पांव हमारे राजमहल के प्रांगण में नहीं पड़ने चाहिए। मैं स्वीकार। छोटी मां। कुंवर प्रताप, ये देखिए, ये कंबल और ये कपड़े हम सब सैनिकों और उनके परिवार में बांटते रहे। आपने इतने लोगों को सम्मिलित किया है अपनी सेना में, उन्हें भी तो सुरक्षा और स्नेह का संकेत मिले। हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। हमने कुंवर जगमाल को चेतावनी देकर जीवित इसलिए छोड़ दिया था कि वे पुनः मेवाड़ की धरती पर पांव नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भी वे उस मुगल के शांति दल के एक मुख्य सदस्य बनकर मेवाड़ आ रहे हैं। कैसे कपूत को जन्म दिया है, यहाँ हर कोई अपने अपने प्राण न्यौछावर करने को लगा हुआ है, और इन्होंने आपके शत्रु के साथ जाके हाथ मिला लिया। छोटी मां, हम ये सब कुछ नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं यदि इस बार उन्होंने कुछ भी अनुचित किया तो शांति वार्ता को अवध्य मानने वाली मर्यादाएं या फिर राजनीतिक बंधन भी उन्हें हमसे बचा नहीं पाएंगे। हम कौर जगमाल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसा आप उचित समझे करें, हमारे लिए बस हमारा एक ही पुत्र है जो हमारे सामने खड़ा है। कुंवर जगमाल हमारे लिए मर चुके हैं। मगड़ी राणा जी, सभी सामंत मिलना चाहते हैं आपसे। क्यों, बात क्या है? मुगल प्रतिनिधि मंडल में शक्ति सिंह जी भी हैं। क्या, शक्ति सिंह? देशद्रोही पुत्र को जन्म देने के लिए अब केवल हमारी ही कोख पर उंगली नहीं उठेगी,
क्या कर रहे थे हमारे गुप्तचर, क्योंकि भनक तक नहीं पड़ी किस मुगल के शांति वार्ता दल में शक्ति सिंह भी सम्मिलित है उनकी तरफ से। राणा जी, हमारे गुप्तचर उन लोगों पे घात लगाए हुए बैठे थे जिन लोगों पे हमें मोटे मोटे रूप से पता रहता है कि वे गलत कामों में लिप्त हैं या फिर देश विरोधी भावना रखते हैं। किंतु शक्ति सिंह, उनके बारे में कभी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। वे तो हमारे वीर और देशभक्त योद्धा थे। बंद कीजिए देशद्रोही की वंदना। शक्ति सिंह हमारे शत्रु है, केवल हमारे शत्रु और कुछ नहीं। नहीं रहे उनके हमारे संबंध अब, ये केवल हमारे ही नहीं इस मातृभूमि के भी शत्रु हैं। हमें तो ये लगता है राणा जी कि अकबर ने शांति वार्ता दल यहाँ शांति संधि के लिए नहीं भेजा, बल्कि ये जताने के लिए भेजा है कि देखो आपके राज परिवार के दो दो राजकुंवर हम मुगलों से आ मिले हैं। ये शांति वार्ता नहीं है राणा जी, ये तो अपरोक्ष रूप से हमें धमकाने वाली वार्ता होने वाली है। अकबर का संकेत तो स्पष्ट दिख रहा है अब कि अभी भी मान लो हमारा वर्चस्व, वरना सारा मेवाड़ तो यूं ही बिना युद्ध के ही आ जाएगा हमारे साथ। आखिर देखिए ना, एक नहीं दो दो मेवाड़ सिंहासन के दावेदार उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। हमें संकेत कुछ ठीक नहीं मिल रहे हैं राणा जी, हमें लौटा देना चाहिए अकबर के उस प्रतिनिधि मंडल को। आग्रह करते हैं हम आप सबसे शांति पूर्वक विचार विमर्श कीजिए। हाँ, ये सत्य है कि शक्ति सिंह जी ने अकबर के साथ हाथ मिला लिया, किंतु उनके ऐसा करने से हमें भावनात्मक आघात के अतिरिक्त और कोई हानि नहीं हुई। और यदि हम अकबर के प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलेंगे, बिना वार्ता के उन्हें लौटा देंगे, तो निश्चित रूप से अकबर प्रसन्न होगा, उसे संतुष्टि मिलेगी ये जान के कि उसने हमें भीषण आघात पहुंचाया है, राजनीतिक तौर पे और मानसिक तौर पे। हम आचार्य जी की बातों से सहमत हैं, आने दीजिए शांति प्रस्ताव प्रतिनिधि मंडल को। शक्ति सिंह ने क्या चुनाव किया है और वे उससे कितने संतुष्ट हैं, ये हम भी देख लेंगे। बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई ना आपकी मानसिक जी, हम जाएंगे उदयपुर के महल में। अरे दादा भाई प्रताप ने शपथ लेके रखी है कि यदि हमने वहां पांव भी रखा ना तो प्राण ले लेंगे वो हमारे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे मुगल खेमे में। आप दोनों जाइए और करके आइए अपनी शांति वार्ता। अरे हमें क्यों मरवा रहे हैं? शायद आपको पता नहीं है, किंतु जितना आज तक हम बचे हैं ना प्रताप की तलवार से, उतना कोई भी नहीं बचा है। और बार बार भाग्य हमारा साथ नहीं देगा, और ना ही हमें हमारे भाग्य की कोई और परीक्षा लेनी है। सच्चा आप दोनों ही जाइए और बस हमें हमारा राज सिंहासन वापस दिला दीजिए। कोई लाभ नहीं होगा इन्हें मनाने का मान सिंह जी, ये नहीं चलेंगे हमारे साथ। पर बात तो तीन लोगों के जाने की हुई थी ना, और हम केवल दो हैं, तो फिर कौन जाएगा तीसरा हमारे साथ? सबको आपकी आवश्यकता है, और हम भी बहुत अकेले पड़े हैं, हमें भी आपकी आवश्यकता है। लौट आइए घर। आपने अभी जो कुछ भी इनसे कहा उसके लिए आप इसे क्षमा मांगे। इनसे तो शक्ति सिंह कभी क्षमा नहीं मांगेगा। शक्ति सिंह, मुगल के शांति वार्ताकार सदस्यों का मेवाड़ में हार्दिक स्वागत है। शांति वार्ता हेतु मुगलीय पक्ष से तीन प्रतिनिधि आने वाले थे, कहां है आपका तीसरा प्रतिनिधि? माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी सी देरी। हमारे दरबार में मुगल,
शांति वार्ता के पूर्व यह तय हुआ था कि शांति वार्ता के लिए कोई भी मुगल हमारे राजमहल में प्रवेश नहीं करेगा। ये तो वही मिसाल हुई जनाब कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। अमन के लिए आप बातचीत मुगलों से करें, फिर ये क्या बातचीत से पहले बेवजह माहौल खराब करने वाली फिजूल की बातें करनी। मुद्दे की बात कीजिए ना जनाब। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप लोग मुगलों से दोस्ती की बात करें और वहां कोई मुगल ही मौजूद ना हो। अब ये कैसा झूठा और बेमानी करार होगा हम दोनों के बीच। मानसिंह जी, अब आपको क्या तकलीफ दरपेश हो रही है? हम बताते हैं इनकी पीड़ा क्या है। बल्कि हमारे बताने से पहले आपके इस वाक्य ने यहां सबके सामने स्पष्ट कर दिया जो बात हम मानसिंह जी से सदैव कहते आए हैं कि मानसिंह जी क्यों मुगल चाहे अपने दरबार में आपको बड़े से बड़ा पद देते हैं, फिर भी वो कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, कभी भी आपको वो अपना नहीं मानेगा। मानसिंह जी, अगर ऐसा कुछ लगा हो आपको तो माफी चाहते हैं हम। हमारे कहने का खत ये मतलब नहीं था। हमारे विचार से आप दोनों इतने ना समझ भी नहीं कि क्षमा प्रार्थना को समझ ना पाए। आप चाहे अपना सर क्यों ना कटा दे उस मुगल के सामने, फिर भी मुगल आपको राजपूत ही मानेंगे, केवल राजपूत। राणा जी, मुगल दरबार में क्या चलता है और क्यों चलता है, अगर इन सब बातों पर अधिक चिंता ना करते हुए आप मूल समस्या की ओर अधिक ध्यान दें तो बेहतर होगा। और इस समय हम सबके सामने समस्या है मुल्तान खान का इस दरबार में होना, और हमें नहीं लगता कि शांति के लिए हाथ आए इतने सुनहरे अवसर को हमें इतनी छोटी सी बात के लिए यूं गवा देना चाहिए। शक्ति सिंह, यहां उपस्थित सभी देशभक्तों के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। क्षमा कीजिएगा राणा जी। विदेशियों का मेवाड़ में आना यह कोई नई बात नहीं है, आज से पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। बैरम खान आ चुके हैं हमारे दरबार में, पीर मोहम्मद भी आ चुके हैं हमारे दरबार में। यदि हम इसी तरह अपनी हट पर अड़े रहेंगे तो केवल विनाश ही विनाश होगा। कम से कम मुगलों के साथ एक बार तो मित्रता का सच्चा प्रयास होना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कुछ देर के लिए आप अपने सारे पूर्वाग्रह एक और रद्द दें ताकि शांति वार्ता में कोई समस्या ना हो। वाह शक्ति सिंह जी, वाह! क्या पक्ष लिया आपने मुगलों का? हमने तो कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। आज हमें पहली बार उस मुगल की शक्ति का अनुभव हो रहा है, पहली बार। तो शक्ति सिंह जी, आपके उस मुगल ने आपको देशद्रोही बनने के लिए कितने सूबों की मनसबदारी दी? 4-5। बातें फिर व्यक्तिगत होने लग गई हैं। हम विषय पर रहकर बात करें तो ठीक रहेगा। देखिए राणा जी, हमारे दाजी राज भी मेवाड़ के लिए ठोस शांति चाहते थे। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप भी जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप भी ये जान जाएंगे कि हम यहां मुगलों के पक्ष में भाषण देने नहीं आए, बल्कि संपूर्ण मेवाड़ के हित में शांति वार्ता के लिए आए हैं। जनाब,
जैसा मानसिंह जी ने कहा, हमें विषय पर ही बने रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। जी राणा जी, शहनशाह ने आपके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। डोडा जी, सबके समक्ष ये संदेश पढ़ा जाए। राणा प्रताप, हमारा मशवरा है कि 50 वर्षों से ज्यादा हमारे और हमारे खानदानों के बीच जो दुश्मनी और तल्खियों की तवारीख रही है, आइए हम उसे अमन की नई इबारत से बदल दें और आने वाली नस्लों के लिए बराबरी के साथ साथ एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक नई तवारीख पैदा करें। महाराणा प्रताप, आप महाराणा ही तस्लीम किए जाएंगे, क्योंकि ज़ेब देता है आपको ये ओहदा। बस एक मामूली सी हमारी शर्त माननी होगी आपको, और वो ये है कि अमन और दोस्ती के करारनामे की तमाम तफसीलात पे बात करने आपको खुद बजाते खुद आगरा तशरीफ लानी पड़ेगी, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर बड़े आराम से हर मसला सुलझा सकते हैं। राणा जी क्यों जाए आगरा, लेकिन ताकि वो उन्हें छल से मार सके। पिछली बार तो वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार शांति वार्ता के जरिए ये उन्हें वहां दुर्ग में ले आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रामशाह जी, मेवाड़ के महाराणा प्रताप आगरा नहीं जाएंगे। यदि अकबर चाहता है तो स्वयं यहाँ उपस्थित होकर उसे जितनी बात करनी है आकर कर ले, और वैसे भी ये शांति प्रस्ताव उसी का भेजा हुआ है, तो उसे थोड़ा बहुत तो कष्ट होना ही चाहिए यहाँ आकर वार्तालाप करने में। आप लोगों को क्या लग रहा है कि शहंशाह हिंद खुद चलकर आएंगे इस छोटी सी रियासत में अपने अमन की दरखास्त लिए? मुल्तान कौन? हम यहाँ अपने राणा जी का अपमान नहीं करने देंगे आपको। अगर आपको बुरा लगा होगा तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन अपने जज्बातों पे जब्त करके सोचिए। आप खुद समझ जाएंगे कि हम सच्चाई ही बयां कर रहे हैं। सच तो ये भी है कि हम एक पल में भूल जाएंगे कि आप यहाँ पर शांति दूत की हैसियत से आए हैं। भीम सिंह जी, तलवार को म्यान में रख लीजिए। हमारा आप सभी से निवेदन है, जाकर अपने स्थान पे बैठ जाइए। मान सिंह जी, शांति के लिए आपने जो निष्ठा दिखाई है वो सचमुच प्रशंसनीय है, सराहनीय है, किंतु मुगल और राजपूत कभी भी मित्र नहीं हो सकते। जब ये कुछ पर शांति के साथ नहीं व्यतीत कर पाते तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, ये सदैव कट्टर शत्रु ही रहेंगे। कट्टर शत्रु। राणा जी, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, केवल एक अवसर दे दीजिए हमें शांति संधि के लिए। हम केवल आपके साथ एक बार आमने सामने बैठकर अकेले में आपसे बात करना चाहते हैं। कृपया हमारी बात सुन लीजिए। एक मुगल प्रतिनिधि के रूप में ना सही, एक कछुआहा राजकुमार की हैसियत से ही सही। हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं राणा जी। इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज ये मुगलों की भाषा बोलने आए हैं, और आप तो जानते हैं मुगल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम आपके शांति प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार। सदियों से राजपूतों का इतिहास रहा बलिदान दान और रक्त रंजित युद्धों का। पहली बार नियति ने हमारे समक्ष शांतिपूर्वक इतिहास लिखने का अवसर प्रदान किया है। हमें लगता है कि ना कहने से पहले एक बार हमें इसे सुनना, समझना और प्राप्त करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। परंपराएं केवल वे नहीं होती जो हमें हमारे विरासत में मिलती है, परंपराएं वे भी होती
जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या सोच रही है आप अजब पे? समझ में नहीं आ रहा आपको, हमारे चारों ओर सब कुछ इतना अच्छा अच्छा, इतना भला भला सा चल रहा है, कब तक चल पाएगा ये सब? ऐसे ये सब कुछ अब ऐसे ही रहेगा सदा। और देखिए, अब तो मुगलों ने भी शांति के लिए विशेष प्रतिनिधि मंडल को भेज दिया है, और हमें पूरा विश्वास है अवश्य ही इसमें से कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। फिर भी मन में पता नहीं क्यों रह रहकर एक विचित्र सा भय खलबला रहा है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि सब कुछ हमसे छीन लिया जाए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको शब्द? पता नहीं भूल, शायद बचपन से अभ्यस्त नहीं रहे हम इन सारे सुखों से। ऐसा कितने समय बाद हमारे जीवन में हुआ है, सब कुछ इतना अच्छा, सब कुछ मन भावन, एक हंसता खेलता परिवार, हमारी प्रिय सखी का साथ, अद्वितीय पति और उनका हमारे प्रति इतना प्रेम, आत्मा तक को सुख से भिगोते ऐसे अमर सिंह जी, इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतना विश्वास हमारे लिए, हमारे प्रजा की ओर से, सब कुछ कितना अच्छा है भूल। सब कुछ चला तो नहीं जाएगा ना? ये किस दिशा में सोच रही है आप अशक्ति? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब लोग यहीं पे हैं आपके साथ सदा के लिए। हम आप सबसे सम्मानपूर्वक निवेदन करते हैं, कृपया कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करें ताकि मानसिंह जी अकेले में हमें अपने शांति वार्ता का पक्ष सुना पाए। राणा जी, आज हम चुपचाप केवल आपकी बातें सुनेंगे, हम में से कोई भी अपना मत नहीं रखेगा। आचार्य जी, क्या ये किसी भी रूप से संभव हो सकता है? नहीं राणा जी, हमें यह असंभव प्रतीत होता, हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मानसिंह जी बैठिए। जी राणा जी, कहिए बात क्या है? हम दोनों ही जानते हैं राणा जी कि आपके और शहंशाह अकबर के बीच छोटी से छोटी बात भी बहुत जल्दी ही एक शत्रुवत रंग ले लेती है, क्योंकि आप दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर एक लंबा कटु इतिहास रहा है। इसीलिए हमारा दृढ़ मत है, शांति की किसी भी पहल की सफलता के लिए आवश्यकता है कि आप दोनों की सीधी भेंट को न टाला जाए। पहले मिलने की बात आपके शहंशाह नहीं की थी, हमने नहीं, केवल इस आशंका के कारण क्योंकि शहंशाह को ऐसा लगा कि उनके प्रस्तावित शांति प्रस्ताव और शर्तों पर आप विस्तार से विचार विमर्श और वाद विवाद करना चाहें तो। विचार विमर्श तो अवश्य ही करेंगे मानसिंह जी, अवश्य। यूं ही आंख मूंद कर उनकी शर्तों को थोड़ी मान लेंगे, हमने उनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। बिना किसी शर्त के ये उनके साथ शांति समझौते का क्या औचित्य? आप ठीक कह रहे हैं राणा जी, हम दोनों खुले मन से दोनों पक्षों के बीच उन बिंदुओं को सामने ले आए तो जहां हमें समस्या दिखती है, जहां हमें असहमति दिखती है, उसे दूर कर पाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे और इस मुगल के बीच शांति मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए राणा जी, हमें पूरा विश्वास है कि यदि शांति की सच्ची इच्छा के साथ हम आमने सामने बैठेंगे तो आपसी सहमति का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। महत्वपूर्ण बात इतनी है राणा जी कि शांति वार्ता से तलवार जितनी दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि हम राजपूत बात बात पर तलवार निकाल लेते हैं। हमारा सुझाव है कि वार्ता स्थल पर दोनों पक्षों के किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति ही नहीं होनी चाहिए हथियार साथ में लेने की। मानसिंह जी, भले ही आपने कई बार पहले राजपूतों के हितों को चोट लगाई हो, किंतु इस बार आपकी बातों में हमें सच्चाई दिख रही है।
जिस निष्ठा के साथ आप शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अब कारण हीर भाईसा की होने वाली संतान, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आपकी निष्ठा उस मुगल के साथ साथ राजपूतों के हितों के लिए भी बन पाएगी? संभव है ये सभी कारण हो जो आपने अभी बताए, किंतु हम आपके मन को पढ़ लेने की क्षमता और बौद्धिक तटस्थता को नमन करते हैं राणा जी। तो ठीक है मानसिंह जी, हम आपके शांति प्रस्ताव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस कार्य हेतु कल पिछोड़ा झील में एक राजसी भोज आयोजित किया जाएगा और हमें आशा है कि आप इस शांति प्रस्ताव की सफलता के लिए अथक प्रयास करेंगे। किंतु मानसिंह जी, एक बात का ध्यान रहे, हमने अपने आदर्शों और स्वतंत्रता के लिए ना ही कभी समझौता किया था या है, ना ही कभी करेंगे। हम भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा करें राणा जी। प्रणाम।